वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोर्ट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूँ। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूँ कि बेसिकली आपने देखा होगा कि 498A की जब FIR आपके ऊपर हो जाती है, तो यहाँ पे आपको पता भी होगा कि FIR को क्वेशिंग करवाने के लिए, उसको खारिज करवाने के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो 482 CRPC में। पर यहाँ पे मैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट बनाती है और उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करती है, तो उस चार्जशीट के बेस पे भी आप 482 CRPC में क्वेशिंग के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी कि उस चार्जशीट को भी आप हाई कोर्ट जाके 482 CRPC में क्वेशिंग करवा सकते हो, खारिज करवा सकते हो। अगर आपके पास में ग्राउंड अच्छे हैं, एविडेंस अच्छे हैं, तो यहाँ पे आप अपने ग्राउंड को आधार बना के और बिल्कुल उस चार्जशीट को आप क्वेश करवा सकते हो, खारिज करवा सकते हो, जिससे आपका मामला आगे ना बढ़े, आपका मामला वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादातर मामलों के अंदर रिलीफ जरूर मिलता है, ज़्यादा भी नहीं तो आपके जो पेरेंट्स के नाम होते हैं वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, अगर उनके कोई आधार नहीं है, अगर फाल्स एलिगेशन लगे हैं तो। ज़्यादा भी नहीं तो पेरेंट्स के नाम तो हाई कोर्ट के द्वारा हटी जाते हैं, केवल आपका नाम आगे बच सकता है। नहीं तो अगर ग्राउंड आपके पास में अच्छे हैं, वहाँ पर अगर आप साबित कर देते हो कि आपके ऊपर जो भी एलिगेशन है वो झूठे लगे हैं, तो पूरी चार्जशीट भी वहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा क्वेश्चन की जा सकती है, पूरी चार्जशीट को भी हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल दी गई है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आप हाई कोर्ट में क्वेशिंग के लिए चार्जशीट के बेस पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर से हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाएं। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।